शाहबाद में हॉकी टीम की तिकड़ी के करिश्माई प्रदर्शन के बाद इस्माइलाबाद स्प्रिंगडेल स्कूल की चार लड़कियों ने किया कुरुक्षेत्र का नाम रोशन। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर किया गया भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश में हुए क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलकर लौटी स्प्रिंगडेल स्कूल की इस्माइलाबाद की चार खिलाड़ियों का कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर उनके परिजन, अध्यापक व सहपाठी हाथ में फूलमाला और बुके लिए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही चारों बेटियां कुरुक्षेत्र की धरती पर उतरी, मानो खुशी का हजूम सा आ गया। स्प्रिंगडेल स्कूल के अध्यापक, विद्यार्थी और बच्चों के अभिभावक सभी खुशी से झूम उठे। स्टेशन पहुंचने पर स्कूल स्टाफ ने चारों खिलाड़ियों को फूलमाला पहनाकर लड्डू खिलाकर खुशी मनाई। स्प्रिंगडेल स्कूल इस्माइलाबाद की चार छात्राएं तान्या शर्मा, परनीत कौर, अमनदीप कौर व तान्या हरियाणा की अंडर 14 क्रिकेट टीम में चयनित होकर राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करके आज वापस कुरुक्षेत्र लौटी। बेटियों की इस उपलब्धि ने उन सभी की जुबान पर ताला जड़ दिया जो कहते हैं कि बेटे बेटियों से बेहतर होते हैं। हमारी बेटी खेलती जो वास्ते है। हाँ जी, सचिन बेटा खेलता है, उन्होंने वेख के साड़ी गुड़िया खेलना चाहती सी जी, उसकी खेलने वास्ते उन्हें की है जी, असि भी खेलना चाहती है जी, असं खिलावे जी अपनी बेटी, ता जी ने असि लगावे जी, खेडेगी जी, असि ओ पूरा साथ देंगे जी। हाँ जी, नहीं नहीं जी, सानू कोई नहीं। हाँ जी हाँ जी, नहीं जी, असि खिलावे अपनी बेटी नी पूरा। ऐसा सोचते नहीं की बेटी और बेटे में कोई फर्क होता है, हम दोनों को एक बराबर ही समझते है। बस मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी आगे से आगे निकले क्रिकेट में। हाँ जी, मेरे में बेटियां ही हैं, मैं चाहती हूँ मेरी बेटियां बेटों से आगे निकले, नाम रोशन करें, दुनिया में उनका नाम हो। क्रिकेट उन्होंने खुद चुना है आपने? नहीं, मेरी बेटी ने अपने आप ही चुना है। मैं चाहती हूँ बस क्रिकेट में नाम रोशन करे, बहुत ज्यादा भी आगे निकले, वर्ल्ड कप लेके आए, मैं ये चाहती हूँ। स्कूल के प्रबंधक नरेश शर्मा ने बताया कि स्कूल में लड़कियों को आगे लाने के लिए संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नरेश शर्मा ने बताया कि इस टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा था। देखो, बहुत सभी को जो भी व्यक्ति देश का विकास चाहता है, बेटियों का विकास चाहता है, उसको खुशी होगी और वैसी खुशी हमें हो रही है क्योंकि निरंतर प्रयास करते हुए कई साल हो गए हैं और अब हमारे प्रयास जो हैं वो रंग दिखाने लगे हैं, अब उसका रिजल्ट सामने आने लगा है। अब हर फील्ड में, हॉकी में, स्टडीज में, प्लस टू के बोर्ड रिजल्ट्स में हमारे बच्चे जो हैं रिमोट एरिया के गांव के बच्चे जो हैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहे हैं, तो हर फील्ड के अंदर जब, और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह कि स्टडीज के अंदर भी लड़कियों ने टॉप किया और गेम्स के अंदर भी लड़की आगे जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी समाज के लिए भी सीखने वाली बात है कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा लग रहा है और हमें ये मोटिवेशन मिला है मोदी जी से, जैसे कि मोदी जी ने शुरू में ही कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाने के साथ साथ बेटी की ऑलराउंड डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। हमारे स्कूल में बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ बेटियों की ऑलराउंड डेवलपमेंट में जहां भी बेटी का इंटरेस्ट है, अगर वो गेम्स में है तो गेम्स में, अगर कल्चर में है तो कल्चर में, जहां भी बेटियों का इंटरेस्ट है वहां पढ़ाया जाता है। नो डाउट हमारा स्कूल जो है एक रूरल एरिया में, फिर भी हम लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि वो शहरों वाले बच्चों की तरह और आगे आए और हमारे एमपी सर ने हमेशा गेम्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया। एक ही स्कूल से हरियाणा में चार बच्चों का चयनित होना वास्तव में गर्व की बात है। इसका श्रेय बच्चों व कोच सुनील सैनी की मेहनत को जाता है। हम स्प्रिंगडेल स्कूल से नेशनल क्रिकेट खेलने गए थे SGFI की तरफ से की टीम में, CBSE टीम में, हमें हमारे पेरेंट्स ने, स्कूल ने, खासकर प्रिंसिपल मैम, MD सर और सबसे ज्यादा हमारे कोच, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए हम उन्हें बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि हम बहुत खुश हैं कि हम, बच्चों का सपना होता है कि हम स्टेट खेलें, बट हमारे पेरेंट्स, स्कूल मेंबर्स, टीचर, MD सर, प्रिंसिपल मैम, हमारे कोच, हमारे पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया कि हम नेशनल खेल के आए हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतना आगे जाएंगे और इतना अच्छा वेलकम होगा हमारा। बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग किसी से इंस्पायर हुए हैं, वैसे लोग आगे हमसे इंस्पायर होकर क्रिकेट चूज करें। सर, ये बच्चों की मेहनत है और उनके पेरेंट्स का विश्वास जो कि लड़कियों को क्रिकेट खिलाने के लिए भेजा है इतनी दूर। पहले लड़कियों ने ब्लॉक लेवल पे गोल्ड लिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली,
फिर झज्जर गुड़गांव स्टेट खेल के आई बच्चे, उसके बाद सीबीएसई एसजीएफआई स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल लेवल में हमारी लड़कियां चार खेल के आई हमारे स्कूल से, स्प्रिंग डेल स्कूल की लड़कियां चार, इनकी बहुत मेहनत।